हाय रे बक्सा मौसी, आई टेल यू, इनको देखकर ना हमें हमारे एसबीएस दीदी की याद आ गई। जैसे हमारे एसबीएस दीदी अपनी पेटी लेकर घूमती हैं, ये बक्सा मौसी अपना बक्सा लेकर घूमते घुमाते लीजिए आ गई हैं मिथिला की लाइफ में। और ये बक्सा मौसी को देखकर ना चंद्रमुखी चौटाला की याद तो आपको आ ही जाएगी। घर जरा देखिए, एक गाजे बाजे और गणेश जी को लेकर कौन आ पहुंचा है। इनसे मिलिए, ये है बक्सा मौसी जो आई है राघव और मैथिली के घर गणपति उत्सव के दौरान। अब भी मौका भी है और दस्तूर भी है, तो ऐसे में गणपति बप्पा के साथ साथ मौसी जी का भी वेलकम हुआ। जरा मौसी जी का स्टाइल तो देखिए, उनके ठाट बाट तो देखिए। आते ही उन्होंने बप्पा की सेवा करने के लिए घर की बहू रानी मैथिली को चुन लिया। गणपति बप्पा मोरिया। ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ब्यूटीफुल मौके पे आती है, जो कि गणपति का मौका है। गणपति जी को लेकर आती हैं ये और स्थापना होती है, और 10 दिन का बेसिकली ये कैमियो है। और इन 10 दिनों में परिवार वालों के जीवन में और जो हमारे हीरो हीरोइन हैं उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस बक्सा मासी लेकर आएंगी। तो इट्स लॉट ऑफ फन, मुझे हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स करने में मजा आता है। अब मैथिली तो खुश है, लेकिन राघव का क्या, उसके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? आखिर बात क्या है? अब भी मौसी जी, अब आप आई है ना, तो इत्मीनान के साथ रहना। और हाँ, राघव और मैथिली के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या दूरियां हैं, उसे आप जरूर दूर करेंगी, ऐसी उम्मीद हम तो करते हैं। चलो ठीक है, बात मत करो, स्माइल मत दो, चलो तो सही। ए बिचारी तुरई सी, यही सब जीवन जाएगी। गणपति बप्पा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गणपति बप्पा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।